अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं आपका होस्ट अदनान श्वेब और आज ब्राइटो ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे दो नए मेहमान हैं सारा एंड सारा जो कि ड्राइंग रूम कंपनी के प्रिंसिपल डिजाइनर्स हैं कैसे हैं आप दोनों बिल्कुल ठीक थैंक यू सो मच बिल्कुल ठीक ठाक ओके लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन टुडे ये बताएं सबसे पहले कि आप दोनों इस प्रोफेशन में किस तरह हैं वो लास्ट सारा यू फर्स्ट मेरा बेसिकली बैकग्राउंड इज फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन फैमिली मेन ड्राइव टू बी एन आर्किटेक्ट वाज माय फादर और वेंचुअली विद यर्स जब ऐसे आप ग्रेजुएट किया सब कुछ मार्केट में काम किया एंड देन आई एम हेयर तो अब मुझे लगता है कि इफ़ आई वॉज नॉट एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर तो और मुझे कोई प्रोफेशन समझ नहीं आता अपने लिए सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद आई एम सो यू क्वालिफाइड आर्किटेक्ट विदिफाइडेक्ट फ्रामी से एंड यू सारा मैं जी मुझे भी बस बहुत से और लोगों की तरह बचपन से ही शौक था आई वॉज़ इन टू ड्राॅइंगज एंड यू नो आई वॉज अ वेरी क्रिएटिव सोल ये तो मुझे पता था तो पढ़ाई में आई वॉज़ नॉट सो बैड लेकिन बस ज़्यादा दिल मेरा हर वक्त किसी ना किसी क्रिएटिव काम में लगा रहता था ड्राॅइंग्स करनी कपड़े सीने का मुझे बहुत शौक़ था कलर्स घर को सजा लो लेकिन इन इंटीरियर डिज़ाइन या फर्नीचर रिलेटेड मैंने सच मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस ये तो बहुत रिसेंटली मे बी खैर रीसेंटली भी नहीं लेकिन बहुत देर बाद जाके मैंने इंटीरियर में इंटरेस्ट लिया है और अनफॉर्चुनेटली नाओ वी आर वे वी आर बट आई वॉन्ट टू बी टू बी एवेंट मैनेजर मैंने बड़ी अर्ली एज में एक दो बड़ी अच्छी रनाउंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ काम किया था परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने बहुत काम किया

मेरे अंदर निगोशिएटिंग स्किल्स भी थी लेबर को हैंडल करने की चीजें आई वॉज अ वेरी मतलब उस तरह से इतना फाइन काम में जो कि मुझे लगता जो लगता था अभी तक और लोगों को भी शायद ये परसेप्शन है कि इंटीरियर इस तरह का काम है बट आई थिंक इंटीरियर के लिए भी आपको एक बड़ी हार्ड कोर सोल होने की जरूरत होती जो मैं थी हमेशा से सो मैंने वन आई वॉज गेटिंग मैरिड तो मैं आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्राम दैट हार्ड कोर लाइफ और मैंने अपनी तरफ से इंटीरियर एक फर्म जॉइन की एक फर्नीचर कंपनी बेसिकली ज्वाइन की थिंकिंग के मेरी यू नो आई बिकम मेरी नाइन टू फाइव आवर्स हो जाएंगी और मैं बस बैठूंगी और क्लाइंट uh, डील करूंगी और जॉब uh, होगी लेकिन वो आई थिंक दैट वाज अ वो एक चीज़ थी जो होनी थी और सिक्स सेवन इयर्स मैंने वहाँ काम किया देन आई रियलाइज्ड कि यू नो ये भी वही काम है जिसमें आपको क्लाइंट डीलिंग फ्रंट uh, एंड पे देखना बैक एंड पे देखना प्रोडक्शन को फर्नीचर कैसे बनता है इंटीरियर क्या होता है सो आई रियलाइज़ के इसके अंदर भी सब कुछ है सो so, मेरी क्रिएटिव सोल को भी उससे सेटिस्फैक्शन मिलती थी फिर इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि यू नो दिस इज़ इट बिकॉज एक 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 टाइम लगाया था इन्वेस्टमेंट की थी सिक्स सेवन इयर्स की वहाँ से एक आइडिया आया कि so are... uh, एक एक मुझे शौक था हमेशा से कि अपना काम करना है, you know, अपना बिजनेस कितना सो गया आप दोनों को इस इस काम में like हम दोनों को साथ में तो बेसिकली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से कंबाइन हुए हैं मैंने आर्किटेक्चर फर्म के साथ भी काम किया है

सारा में और इमरान बेसिकली वो सारा बैक एंड फैक्ट्री मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम देखते हैं हम भी देखते हैं लेकिन हमें ज़रा थोड़ा फ्रंट एंड को ज़्यादा देखना होता है तो हम फ्रंट एंड भी मुश्किल काम बहुत मुश्किल है ज्यादा ही एक्चुअली मुश्किल है लेकिन वो भी एक काफ़ी गंदा काम है मेरा मैं हम बेसिकली मिले तो एक वी वर्कर्स वी वॉलीग् एट अ अर्टन फर्म फॉर एम जाम काम करे थे इकट्ठे तो वहाँ पे एक तो हमारी हमें एक दूसरे का पता चल गया था फिर वहाँ से जब मैंने आई लेफ्ट सो आई आई वर्क फिर नदर कंपनी हम दो तीन साल के खाए अपने काम के चक्कर में सारा ने भी आई थिंक छोड़ दिया था mm -hmm. उसके बाद इंटरेस्टिंगली uh, 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 होता ये था कि मार्केट में हम दोनों का नाम क्योंकि सारा था तो uh, अक्सर ऐसा होता था कि क्लाइंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते थे ना मेरे पास आते थे तो कहते थे कि अच्छा आप वो सारा है कहती थी नहीं जी मैं वो सारा नहीं हूँ तो भी सारा के पास जाते थे अच्छा आपसे मेरी बात हुई तो भी वो हमारा एक वो बड़ा एज भी था एक कन्फ्यूजन भी थी तो वो कहीं ना कहीं वो एक था कि सारा यू नो कम मर्जी हो, हो जाए तो बेहतर है तो बस वो फिर आई थिंक टू थ्री इयर्स बैक अभी काम करते हुए तो हमें फोर ईयर्स हो गए हैं लेकिन बस वो हम इकट्ठे सो वट आर द डिफिकल्टीज अ वूमेन इन आर सोसाइटी जिसना की हमारी है और ये जो काम आप करें तो ना इसे मुश्किल काम है ये वाला और आप शादीशुदा भी हैं, यू हैव किड्स विद यू यू हाउ डू मैनेज बच्चों को कैसे टाइम देते हैं और मियाँ क्या कहते हैं जी के नहीं आंदे हो यू 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 नो स्टफ लाइक दैट हमारा सो हाउ गाइस मैनेज विल स्टार्ट विद सारा आई गेस देखिए डिफिकल्टी तो हर उस फील्ड में जिस पे आपका फोकस हो जिसमें आपका हार्ड वर्क हो अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करना सर से उतारना है फिर यू कैन यू नो वो कोई कोई इतना मुश्किल नहीं होता कोई भी काम लेकिन जब आप पूरा अपना 110 परसेंट देना चाहते हैं अपने काम को अपने प्रोजेक्ट्स को अपने इंटीरियर्स कोट एवर यू आर डूइंग तो मुश्किल तो वो होता है चैलेंजेस आते हैं डिफ़िकल्टीज आते हैं और बैलेंसिंग योर हाउस लाइफ विद योर वर्क लाइफ ऑब्वियसली आपकी फैमिली की सपोर्ट के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल हस्बैंड भी अंडर पहले अगर आप पेरेंट्स के घर हैं वो ना अंडरस्टैंडिंग हो उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म uh, मतलब देने की एक पूरा आपको उन्होंने एक प्रोवाइड किया एजुकेशन सारी आपकी फिर आपको प्रैक्टिसिंग कर प्रैक्टिस थी मैंने इंटर्नशिप्स की जॉब्स की तो वो उनकी सपोर्ट थी फिर आई गॉट मैरिड फिर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी ऑब्वियसली अगर हम ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट अपनी ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू फैमिली रिलेटिंग टू किड्स हम आपस में स्विच करते थे तो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है ट्वेंटी फोर आवर्स है ट्वेंटी फोर आवर्स है काम इट्स इट्स हाउ यू मैनेज आजकल वैसे सब कुछ ऑनलाइन चला गया इफ इवन इफ़ यू आर होम तब आप मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोनस के थ्रू uh, मुश्किल था लेकिन ये है कि विद टाइम विद योर एक्सपीरियंस जितने आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं उतना यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स आप दो काम एक टाइम पे करके हाउ कैन हाउ यू कैन सेव योर टाइम योर क्लाइंट्स टाइम और आप अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज चीजें मैनेज करना फलाना करना लड़ाई भी होती होगी डेफिनेटली बीच में एंड हु इज़ मोर लाइक

गुड क्वालिटी अगर वो चौधरी बन जाए तो uh, मैं मैं अगर मतलब आई नो कि अगर ये हो गया तो मैं कुछ जरा थोड़ी देर ब्रेक दे देती हूँ ना चुप हो जाती हूँ गो होम यू नो डो मुझे पता होता है कि चौधरी को थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा एंड मैसेज आता के आपे बिल्कुल। आता है है चौधरी वापस बिल्कुल दैट्स दैट्स नाइस अच्छा मजे की बात है हमारी जो है ना वो ज्यादा क्रिएटिव कामों पे लड़ाई नहीं होती है इस तरह से नहीं होता हम इतने मतलब मुझे लगता है कि हम दोनों ही सारा बिखैर Uh, मुझे लगता है सारा ज़्यादा हम सेंसिटिव हैं उस तरह से एज एज ह्यूमन आई थिंक ऑल आर्टिस्ट आर तो हमारी पर्सनल पर्सनल uh, चीज़ों ज़रा ज़्यादा वो हो जाती है समटाइम्स बिहेवियर पे एक नेचुरल जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है उस पर ज़्यादा हमारी वो जाती है क्रिएटिव कम हो बल्कि हम बड़े सपोर्टिव हैं और Uh, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे सीखते भी हैं ऐसा होता Work है कि केमिस्ट्री मींस कि बड़ी अच्छी चला कोई पूछे कभी ऐसा होता कभी है नहीं के होता कि मैंने कुछ कहा है या कोई एक कंस्ट्रक्टिव uh, फीडबैक है वो सारा ने नेगाओ शी ऑलवेज लिसंस कभी ऐसा हुआ कि सारा ये वाली सारा कह रही थी मैंने ये वॉल ग्रे करनी है और ये सर नहीं ये ग्रे नहीं होनी चाहिए ये तो ब्लू होनी चाहिए ऐसे भी चीजें होती हैं डिस्कशन हो जाती है हाँ, बट ये कि देखें एक हर बंदे का एक इंडिविजुअल थोड़ा स्टाइल भी होता है ना अपना स्टाइल भी है अपनी पर्सनालिटी है अपना स्टाइल है और वो नजर भी आ रहा होता तो है, लेकिन, है हा, हा, लेकिन लेकिन मैं मैं पैटर्न्स पैटर्न्स की में आपने अपने सेट रही हूं माय वर्क केमिस्ट्री इज रियली गुड वो कुछ really माशा के स्टाइल का भी पता है तो सारा अगर कभी कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें उसको लगे कि आए मुझे इसमें ज्यादा थोड़ा सा यू नो दैट्स माय स्टाइल सो उसमें सारा मुझे कहेगी या मुझसे पूछ लेगी कि ये मैं ये कर रही हूँ व्हाट डू यू थिंक सो so, मैं उस वक्त फौरन देती हूँ और शी ऑलवेज वो, वो करती भी है हालांकि आई हम मिल वी डोंट रियली हम अपने प्रोजेक्ट्स अलग अलग करते हैं वी नॉट वी आर एज मतलब एज अ टीम हम काम जरूर करते हैं बैक एंड पे हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट लेते हैं बट फ्रंट एंड पे हम अपने क्लाइंट्स को इंडिविजुअल अपने अपने स्टाइल में डील करते so, Sarah, हैं uh, sort of Achha, मेरा मसला ये है कि मैं मतलब होते हैं स्टाइल्स होते हैं आई पर्सनली लाइक मॉडर्न प्रोजेक्ट्स मोर ऑब्वियसली बट मुझे थोड़ी सी मिक्सिंग भी अच्छी लगती है यू नो लाइक मैं मेरा ये दिल होता है कि वंस आई डिलीवर वन प्रोजेक्ट तो मेरा उस प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्शन नेक्स्ट में ना हो यू नो इट शुड गिव इट शुड कम आउट टोटली डिफरेंट अगर अगर लाइन सेम नहीं है जैसे मॉडर्न है और अगला क्लासिकल है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो ही जाएगा बट अगर ये भी मॉडर्न है और नेक्स्ट भी मॉडर्न है तो आई वुड रियली वट एंड आई रियली वर्क ऑन के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अपोज़िट हो मतलब डिफरेंट हो आप कुछ नया क्रिएट करें कुछ नए कलर स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराएं कुछ नए वॉल्स में सीलिंग्स में फ्लोरिंग्स में आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करें सो mm पर्टिकुलरली -hmm. so अगर आप कहें कि एक स्टाइल है तो वो इट्स नॉट वन स्टाइल इट्स लाइक कि आप यू आर मोर

या मॉडर्न में आप कह लें कि मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी बोथ मॉडर्न में उस तरह से मॉडर्न नहीं कि बिल्कुल मॉडर्न बट थोड़ा अर्बन मॉडर्न टाइप या थोड़ा सा आई ऑलवेज वांट टू हैव समथिंग और अदर जिससे एक थोड़ी सी एक यू नो नेचुरल नैचुर आई ट्राई टू यूज अगर मैं मॉडर्न भी करी हूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न फिनिशेस मैं प्रेफर नहीं करती और मे बी ओवर द इयर्स चेंज भी हो गई है वो परसेप्शन शुरू में शायद मेरा मॉडर्न वाज डिफरेंट राइट नाउ माय मॉडर्न इज़ वेरी अर्बन मॉडर्न आई वांट टू यूज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल वुड थोड़े से गोल्ड एक्सेंट्स न्यूट्रल कलर्स आपको पता है चेंज होता रहता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल या बहुत ज़्यादा क्लासिकल करने का शौक नहीं है लेकिन अगेन मजा आता है जब आपको कोई इस तरह क्लाइंट मिलता है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और तो वो उसमें भी हम कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा एक टिपिकल उस पे काम ना करें थोड़ा सा उसको हमेशा कंटेंपरेरी रखने की कोशिश करते हैं सो यू बोथ ऑफ यू गाइस गो ऑन साइट एज़ वेल पे जाते होंगे क्योंकि इफ इफ यू आस्क मी तो बड़ा डिटेल्ड जॉबड है ये वाली ड्राइंग्स पे पहले काम करना फिर साइट्स पे जाना फिर वेंडर्स को समझाना तो क्या क्या मसले आते हैं साइट्स के ऊपर वेंडर्स के साथ अगर वेंडर्स बेसिकली देखिए जब आपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर दिया उसकी सारी वॉल ट्रीटमेंट्स हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं जब तक आप जाके साइट पे उसको देखेंगे नहीं उसके साइजेस और प्रपोर्शन वहाँ पे एक्चुअल एक पिक्चर है एक लैपटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर तो आ गया सब कुछ लेकिन जब तक आप जाके उसको एक्चुअल ग्राउंड में नहीं देखेंगे कि वो क्या टर्न आउट कर रहा है उसकी बेस ही ठीक नहीं बनेगी तो ऊपर से आप जितना मेकअप कर दें जितनी फिनिशिंग कर दें इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर दैट प्लेस तो आ, ये चीज़ जाके साइट पे तो ये डेफिनेटली एक बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यू हैव टू विजिट योर साइट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस और चैलेंजेस ये आते हैं कि अगर मतलब इन टर्म्स ऑफ मटीरियल एंड क्वालिटी माई मार्केट में क्वालिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज यू नीड टू यू आर सपोज टू डिलीवर एवरी चाहे वो फर्नीचर है चाहे वो इंटीरियर्स हैं चाहे वो Uh, आपकी कोई भी क्रिएशन uh, है वो अगर क्वालिटी के साथ डिलीवर नहीं हुई भी इट इट डजेंट शो इट्स क्वालिटी तो वो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू गोइंगस क्वालिटी कॉन्शियस साइज प्रोपोर्शन एंड क्वालिटी दैट वॉज द मेजर रीजन जो जिसकी वजह से वी वी फेल दैट नीड टू डू ऑन समर ओन बिकॉज जब आप कहीं और किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं हंड्रेड परसेंट चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती और वी बींग आई बींग वेरी प्रोफेक्शनस्ट हम सारा भी है क्वालिटी के बारे में हम लोग बहुत कॉन्शियस uh, हैं क्वालिटी सिर्फ फर्नीचर की नहीं क्वालिटी टाइम टू आर क्लाइंट सर्विस एवरी थिंग एवरी थिंग इट्स एंड्स एन अदर रीजन आई वॉन्ट टू टेल यू व्यूवर्स को भी कि हमने दैट्स अनदर रीजन जिसकी वजह से हमने शोरूम ही बनाया अपना और हमारा प्लान भी नहीं है ओके सारा सारा कभी क्लाइंट कैसे लड़ाई हुई लड़ाई तो नहीं हुई है सच कभी कभी कुछ हो गया हो ऐसा कुछ के क्लाइंट बड़ा ऊपर से वैसे मेरी तो हो जाती है लड़ाई हो जाती थी अब मैंने अपने आप को काफी कंट्रोल किया बिकॉज आई एम वेरी यू नो मुझ मेरी कोशिश होती है कि मैं जरा अगेन वही वाली बात जो एक प्रॉब्लम है हमारी कि क्लाइंट जब बोलता है बहुत ज़्यादा और उसको इतना नहीं पता होता चीज़ों का इज करता है बेसिकली मतलब आप प्रोफेशनल के पास आए हैं तो लेट देम स्पीक एंड उनको एक दफ़ा बताने कभी, तो कभी उस जगह पे मुझे ज़रा कभी कभी मैं गुस्से में आ जाती हूँ लेकिन अब मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करती हूँ बिकॉज क्लाइंट की भी तो आपको सुननी पड़ती है ना सुनेंगे तो आपको समझ आएगी क्या वो तो वो कुछ चीज़ें आपको फिर इग्नोर करनी पड़ती हैं सो लड़ाई मेरी हुई है मैं पोती रहती कर, है इंसिडेंट कोर्ट नहीं करूंगी लेकिन <laughs> हो भी जाती है हाँ। ओके okay. ये बताएं कि कुकिंग शुकिंग को खाना मैंने भी बना लेती है कि बस सिर्फ काम ही करती रहती हूँ मैं तुम बताओ साथ खाना बना लेती हूँ मतलब भूखा नहीं रखूंगी आप okay. अगर आप आ, आ जाएंगे कभी बट हाउ यू गाइस प्लस लाइक सुबह के नाश्ता क्या करते हैं मतलब सुबह है, उठ के क्या रूटीन है सुबह उठने की मैं तो नाश्ता तो मैं नहीं छोड़ती हूँ अब

कर लेते हैं वारे, कभी, वारे, कभी, वारे, life, हाँ, आगा, आगा, इस तरह का है कि हम जो अगर मीटिंग्स मीटिंग, मीटिंग को इनफॉर्म करते हैं वो जरूर करते हैं कभी कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं कभी डे आउट भी कर लेते हैं कहीं चले जाते हैं नहीं अच्छा ऑफिस का नहीं आज काम करते है हमारे जो ऑब्वियसली वर्क ग्रुप्स हैं म्यूचुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं लेकिन

अभी जरा you know, एक एकदम से अच्छे कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे करेंगे रिलैक्स और वो 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 कभी नहीं कभी नहीं नहीं हो सकता आजकल पड़ता पड़ता है 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 आपको आपको खुद टाइम उसके लिए निकालना वैसे ही पता घर जब जाते हैं तो बच्चे होते हैं तो क्या होता है बॉस तो कैसी फील आती है

होते रहते हैं uh, <laughs> क्या ऑन स्क्रीन अब क्या आपको यू कैन नॉट टेक द नेम्स बट यू कैन शेयर द इंसिडेंट फनी तो <laughs> हाँ नही names, नहीं होते इंसिडेंट्स गुस्सा ही आता है जैसे आपको बताया फनी तो फन तो एज सच फनी तो आई डोंट आई डोंट रिमेंबर कितना एजुकेट प्लान टू करना पड़ता है समटाइम्स टाइम्स <laughs> कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब कि इट इट वेरीज के इंडिविजुअल पर्सन जो जोन से भी क्लाइंट्स हैं वो वेरी करता है उनके अंडरस्टैंडिंग पे उनके बिहेवियर पे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत वेल well ट्रेवल्ड होते हैं दे हैव बीन यूजिंग ब्रांड्स उनको नॉलेज होती है उनको पता है एंड दे नो एंड दे नो कि दे वांट दिस एंड दे आर फाइन विद दैट जब आप उनको सोलूशन दे दो दे आर फाइन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं मिडिल लेवल पर आ जाते हैं जिनको कुछ पता होता है और कुछ नहीं पता होता है एंड दे दे आर सो गुड कि वो अंडरस्टैंड भी करते हैं वैन यू आर वैन दे नो कि आप एक प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं आपने उन, उनसे एडवाइस भी लेनी है आपने उनसे काम लेना है तो वो आपकी एडवाइस को आपकी चीज़ को रून नहीं करते इसमें इंटरफेयर नहीं करते एंड दे देट और हम अपना काम शुरू करते हैं कुछ एक परसेंटेज ऐसी आती है कि जिनको जो ये भी सिचुएशन है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न चाहिए और बेड वो कार्विंग वाला पसंद कर रहे होते हैं यू नो लाइक आते हैं लेकिन उनको एजुकेट करना पड़ता है और एजुकेट भी एक दिन में नहीं होता एक मीटिंग में नहीं होता एक पूरा प्रोसेस होता है वे यू यू कॉन्ट लूज योर एजुकेशन फॉर अस ना अब नाउ हैव रियलाइज फॉर अस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारा क्लाइंट एजुकेट नहीं हुआ हम काम नहीं कर सकते ऐसा होता है कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं जो आपको एजुकेट कर रहे होते हैं वो हम हमें पता होता है कि हम हम हमें जो कर रहे हैं वो एजुकेशन है जो हम उनको कर रहे हैं वो एजुकेशन है कोशिश तो करते हैं लेकिन अब क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया हमें पता चल गया जाहिर है क्लाइंट को भी काफ़ी एक्सपोजर होता है लेकिन क्लाइंट को पता होना एक डिफ़रेंट चीज़ है लेकिन उसको टेक्निकल नॉलेज होना एक डिफ़रेंट चीज़, चीज़ है वहाँ पर वी कम है हम हमारा अगर आपको एक सर्टन स्टाइल में चीज़ चाहिए और आपको पता है देखें दो तरह का क्लाइंट है एक है जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए फ़ॉर इंस्टेंस आपको एक मैसी वो इंटीरियर पसंद है यानी कि जो एक बोहिमियन स्टाइल इंटीरियर है उसमें एक यू नो यू यू हैव टू क्रिएट देट मैस बहुत ज़्यादा कलर्स मैक्सिमिस्ट अप्रोच और बहुत तो वो वो अब अगर आप ये कहें कि मुझे तो पता है ये आ, ये तो मैं ख़ुद भी कर लूँगा ढेर सारी तस्वीरें लगानी है दीवार पर इधर चेयर रखनी है इधर इसमें सो नो so, you know, उस लुक को भी पर्पजफुली आपने क्रिएट करना होता है ये थोड़ी है कि उसके अंदर आपको एक कंसल्टेंट या टेक्निकल अप्रोच की ज़रूरत होती है यू कान डू इट सो हम सुनते हैं क्लाइंट की बात लेकिन हमें समझ आ रहा होता है कि इस क्लाइंट को कितनी ज़रूरत है समझ समझाने की और इस क्लाइंट को नहीं है सो so, वो ऑब्वियसली उसमें आपका काम आसान भी हो जाता है समटाइम्स एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर एंड इफ यू क्रॉस दैट लाइन तो यू कैन डू यू डिजास्टर एज वेल सो वाइल यू गाइज आर डूइंग प्रोजेक्ट्स तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि देर लॉट्स ऑफ मटीरियल एन आर्टिकलेन कभी क्लैशिज हुए हैं आर्किटेक्स के साथ कि यह क्या 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 बनाया हुआ एंड यू वॉन्ट टू इम्पोज समथिंग टू इट और आपका तो वो स्पेस ही वेसी नहीं या ऐसा हो कि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और स्पेस इतनी होती है बट उसमें डिमांड इतनी बड़ी होती हैं हाउ यू मैनेज दैट किस तरह फिट इन करते हैं चीज़ों को बेसिकली देखें बेसिकली बीइंग एन आर्किटेक्ट मैंने दोनों चीज़ों में काम किया माय अर्ली ईयर्स मैंने आर्किटेक्ट्स के साथ भी काम किया सम फेमस आर्किटेक्ट्स और मैंने कुछ फर्नीचर स्ट्रिक्टली फर्नीचर प्लस इंटीरियर फर्म्स के साथ भी काम किया तो जो मेरी मेरी ड्राइव थी टूवर्ड्स इंटीरियर्स तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ ओवर द टाइम कि जो आर्किटेक्ट्स के प्लान्स हैं उनमें कुछ ऐसे फ्लॉज या उनमें फ्लॉज तो नहीं मैं कहूँगी उनकी अपनी थिंकिंग हो होती है उन्होंने एक सर्टन लिमिट तक काम करना होता है वो सॉफ्ट फर्निशिंग पे नहीं जाते वो इंटीरियर्स पे कलर स्कीम्स पे नहीं जाते वो बहुत ज़्यादा वॉल डिटेल्ड वॉल ट्रीटमेंट्स पर नहीं जाते एक बेसिक लिविंग पे नहीं जाते हाँ living. Hmm. तो जब अभी एज अ प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे रियलाइज ये हुआ कि ये रूट होता है इंटीरियर्स भी रूट होता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर आपको सर्टन लाइट्स चाहिए कुछ कॉर्नर्स पे फर्नीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू बी डिसाइडेड एट द स्टार्ट आप लेआउट्स कैसे करते हैं आप सिलेक्शन क्या करते हैं फिर उस एक पीस को एक सर्टन इन्वायरमेंट में रखने के लिए आपने वॉल्स पे लाइट ग्रीन इंडोर प्लांट्स पेंटिंग्स ये चीज़ें कैसे लेकर आनी है वो सब चीज़ें बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट होती हैं वी कांट से कि पहले आर्किटेक्चर ख़त्म हो जाए और फिर इंटीरियर स्टार्ट हो नो इट्स अ टीम वर्क और ये बिल्कुल मिडिल में दोनों दोनों लोगों की उससे स्टार्ट होना चाहिए एज अ राइट प्रैक्टिस ओके एवरी आर्किटेक्ट और एवरी फर्म हैज़ सर्टेन इंसिग्निया ऑफ देयर ओन स्टाइल लाइक चाहे वो कलर हो चाहे वो लाइंस हो सो यू गाजर इनटू स्ट्रेट लाइंस और यू गाजर इनटू कर्व्स और किस तरह तो से मैनेज करते हैं चीज़ों को Uh, हम एज अ कंपनी आप पूछ रहे company, हैं कंपनी ड्राइंग रूम एज अ कंपनी नहीं बिकॉज एज वी मैं कि हम लोग हमारा कोर इज़ फर्नीचर जो हम कहते हुए हैं क्लाइंट को बिकॉज मोस्ट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे भी होता है इंटरेस्टिंगली कि लोग हमारे पास आते हैं जिससे कि आप हमें सिर्फ इंटीरियर करते हैं देन वी हैव टू टेल देम डू मेक फर्नीचर दैट्स वाई हमारी एक इन्वेस्टमेंट है बैक एंड पे वी हैव अ फैक्ट्री जहाँ हम फर्नीचर बनाते हैं

बट यू वर स्ट्रेट स्मार्ट हां दो यू नो हाउ टू पोजीशन आ जाए फिफ्थ तक आ जाए बेस्ट ओके डन फर्स्ट में मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी ना मुझे शौक सो हाउ डू यू डिफाइन हर पर्सनालिटी सारा एंड हाउ डू यू डिफाइन हर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाइल यू नो ईच अदर लाइक सिंस लाइक 4 5 इयर्स नाउ 6 इयर्स नाउ सो हैव यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस सारा एंड हैव यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस सारा तुम बताओ तुमने क्या सीखा सारा बेसिकली <laughs> सारा बेसिकली सीम्स uh, के बहुत uh, एकदम से क्विक डिसीजन लेने वाली ही शी विल जंप इनटू थिंग्स और एकदम से वो कर लेने वाली लेकिन बेसिकली ओवर द टाइम जो मैंने इसको और वो एक देखने में लगता है कि वो मतलब शी इज़ लाउड और बोलेगी और बस उसका लेकिन ओवर द टाइम जब मैं जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो किसी पर्सनैलिटी को तभी आप अच्छी तरह से जानते हैं तो लगता है कि वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है बट इनसाइड शीज़ शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन शी अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी सिचुएशन लोगों को बहुत सेंसिबली जज कर लेती ओके एंड व्हाट व्हाट अबाउट अबाउट यू हैव टू से हर मैंने सारा से एग्जैक्टली exactly वही सीखा है जो uh, मुझे सीखने की ज़रूरत थी वो थोड़ा सा रिदम लाइफ में थोड़ा सा यू you नो know, खामोशी से uh, चीज़ों में कभी मैं टोटली मैं मैं इस चीज़ के अगेंस्ट भी हूं बिकॉज काम में समटाइम्स आपको uh, एक क्विक डिसीजन मेकर की ज़रूरत होती है जो मेरे अंदर है मेरे मेरे मैं फ़ॉरन डिसीजन ले, ले लेती हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसीजन लेने वाले लोग अगर ना हो तो चीज़ें बहुत ड्रैग भी हो जाती हैं लेकिन समटाइम्स आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को

काम में कि सारा भी शोर <laughs> <नहीं। laughs> क्योंकि मैं तो कहती हूँ डालना चाहिए शोर के बगैर काम नहीं होता तो तो डालेंगे मुझसे सब लोगों को बहुत शिकायत होती थी कि शोर करती है बहुत मैं बाई मैं बड़ी मशहूर हूँ बदतमीज अपनी बैक एंड पे भी फ्रंट एंड पे भी लोग कहते हैं आब, बड़ी बदतमीज़ हूँ <laughs> लेकिन मैं अलहदुल्ला बड़ी खुश हूँ इस बारे में कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ क्योंकि ये ज़रूरी होता है थोड़ा सा Sometimes. उसको आप पॉलिश कर सकते हैं आगे जाके उसको कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं लेकिन ज़रूरी होता है उससे बहुत सारी चीज़ें मैं तो आई ऑलवेज टेल दैम आई थिंक डोंट आस्क मी टू चेंज माई सेल्फ जस्ट बिकॉज यू गाय नॉट हैंडल इट और यू डोंट लाइक इट सी के उससे आपको बेनिफिट क्या होता

वैन इट कम्स टू फिनिशिंग लाइक लाइक वाल ट्रीटमेंट की फिनिशेज हैं फर्नीचर फर्निश हैं तो बहुत सारे डिफरेंट मटीरियल हैं लाइक पेंट्स हैं कोटिंग्स हैं वाल पेपर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं सो वट इज़ योर प्रेफ्रेंस और आप क्या क्या यूज़ करती हैं हम रिसेंटली तो अगर फर्नीचर की नहीं अगर हम वैसे इंटीरियर इन्वायरमेंट की बात करें तो रिसेंटली अब हमने बहुत ज़्यादा जैसे आपने वाल पेपर बोला अब हम वाल पेपर का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं अब दो हमारे ऑफिस में आप देखें बहुत वाल पेपर लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं थी उस वक्त पर... बिकॉज एक तो इसको जल्दी ख़त्म करना था प्लस बस हमने कर लिया था जल्दी में लेकिन अब हम रिसेंटली लग्जरी कोटिंग्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ब्राइटो की लग्जरी कोटिंग्स हैं हम बहुत यूज़ कर रहे हैं वो अपने मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आ, अच्छे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में हम फुल फुल रूम टू रूम कवर कर रहे हैं ब्राइटो का स्टेन फ्री पेंट्स की एक रेंज है जो कि दे आर वेरी प्रैक्टिकल पेंट्स इन इनकमर्शल प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल्स स्कूल्स जहाँ पर आपको uh, थोड़ी थोड़ी ड्यूरेंस चाहिए होती है तो वो अभी हम रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट्स भी सक, इवन घरों में रेजिडेंसिस में भी क्लाइंट्स आर मोर क्वालिटी इन क्लाइंट ना उनको होता है कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं मटीरियल जिन पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ए, कुछ लॉन्ग लास्टिंग टाइम ड्यूरेशन कोरोना लोगों के लोगों को पता है लगा है कि यार आप बार बार लोगों को घर नहीं बुला सकते रेनोवेशन के लिए टचअप्स के लिए सो दीज़ आर द मटीरियल्स डैट वी आर यूजिंग इनडोर हम प्लान्स काफ़ी यूज़ करते हैं हमारे इंटीरियर में मेरे भी सारा के हमारे इंटीरियर में ग्रीनस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो भी आप एक सोलूशन दे सकें तो वो होने चाहिए बिकॉज अब अब बिल्कुल मटीरियल्स जो वेदर कंडीशन हैं यहाँ पाकिस्तान में सिटिंग इन लाहौर समर्स बहुत हार्श होता है तो उसमें आप आपको इस तरह के सोलूशन कलर स्कीम्स फिनिशिंग पेंट्स

बींग बींग पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए आप जितना अपनी इंडस्ट्री को जितना अपनी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट uh, करेंगे उतना इट्स गुड इकनॉमिकली भी और uh, आपके आपके कंट्री के लिए बात अच्छी है इसी तरह से हमारे जो लोकल आपकी जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, हैं वो इंक्रीज़ होती हैं क्राफ्टमैनशिप इंक्रीज़ होती है जितना काम आपके हाथों से निकलेगा उतनी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए टाइल्स हैं तो मेड इन इटली मेड इन हाँ बल्कि सॉरी मैं बात काट रही हूँ हम तो बल्कि अब टाइल्स की जगह बहुत ज़्यादा मार्बल यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली लोकली बहुत अच्छा अवेलेबल है और हमारे मोस्टली हालांकि लोग इस वक्त इतना कंसिडर करते हैं कि जी टाइल इज़ द ईजिएस्ट सोल्यूशन उतना एक्सपेंसिव होता है उसकी उसकी आ, शायद लाइफ उतनी नहीं और मार्बल की आपको पता है सो so हम तो इस वक्त ठीक ठाक मार्बल अपने हाथ क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स की रिप्लेसमेंट भी तो अवेलेबल है ना क्विक अगर आपने एक चीज़ यहीं से पिक की है तो उसका रिप्लेसमेंट भी है अगर आपकी एक आप टाइल्स थ्रू स्पेन थ्रू इटली ऑर्डर करें थ्रू चाइना ऑर्डर करें वो क्वांटिटी ख़त्म होगी अचानक कुछ एक गड़बड़ होगी साइड पे

या मैं इसको और आसान करता हूँ कि मॉडर्न करना आसान है कि क्लासिक करना आसान है आसान तो दोनों ही नहीं है लेकिन मॉडर्न uh, uh, मतलब मॉडर्न की एक इस वक्त डिमांड है मॉडर्न की बहुत ज़्यादा मार्केट में मॉडर्न क्लाइंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं अब आप उसको आसान गए लेकिन क्लासिकल लोगों ने करके देख लिया है लोग लो बोर हो गए हैं क्लासिकल से लेकिन क्लासिक जो है ना वो सही तरह से होता भी नहीं है इस मुल्क में लोगों को शौक बहुत है क्लासिकल करने को अपने क्लाइंट्स को बताते भी हैं कि लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ गोल्ड जो है ना इज़ नॉट क्लासिकल वो क्लासिकल नहीं है क्लासिकल के अंदर भी बहुत सारे फर्दर स्टाइल्स आ जाते हैं आपका न्यो आर टेको इज ऑल्सो क्लासिकल आपका मॉडर्न इज़ ऑल्सो क्लासिक आपका मॉडर्न द सेंस के मॉडर्न में भी आप थोड़ा सा वो वो लेके आते हैं लोग हमारे पास आते हैं हमें कहते हैं हमें क्लासिकल करना समटाइम पहले सबसे पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किसको क्लासिक कहते हैं आप हमें वो डेफिनेशन दिखाएं कि आपके ख्याल से क्लासिक क्या है तो वही एक दुबई इंस्पायर्ड लॉट ऑफ गोल्ड और बस गोल्ड पेंट हर जगह पे कर दें तो वो आसान तो बहुत है इसीलिए आप देखें हर कोई कर रहा है हर शोरूम पे आप जाएं हर जगह पे लेकिन uh, है personally है। personally वो आसान है बिकॉज का जस्टिस नहीं हो रहा ठीक से क्लासिकल फर्नीचर उस तरह से बन नहीं रहा कि आप, आपको खुशी नहीं होती है आपको जो क्लासिकल फर्नीचर बना हम अगर कहते भी हैं किसी को कि आप एक्सपेंसिव है क्लासिकल फिनिशेस एक्सपेंसिव हैं आप लीफ लगता था एंटीक फिनिशेस होती थी एक एक मिरर आपने बनाना है उसके अंदर अगर आप इंट्रिकेट सी कार्विंग करेंगे वो एक्सपेंसिव है उसको दो दो महीने तीन तीन, तीन महीने कारपेंटर कार्व करता रहता है बैठ वैल्यू फॉर दैट टाइम ही नहीं है महीने में बना के दें महीने में कैसे बनता है फिर लोग फाइबर पे बनाना शुरू हो गए तो लोगों को नहीं पता क्या कुछ हो रहा है बहुत कुछ जस्ट बिकॉज आप टाइम नहीं दे रहे आपके पास आप उसके उस, उसके वो एक्सपेंस नहीं दे रहे जो उसके ऊपर होना चाहिए मुश क्लासिकल एक्चुअली मुश्किल है मॉडर्न करना बहुत आसान है तो so, हम क्लासिकल थोड़ा पकड़ते हैं अगर कोई बहुत अच्छा टाइम हो क्लाइंट हो जो हमें टाइम ज़्यादा दे और अच्छे पैसे दे तो आप क्लासिकल प्योर अच्छा क्लासिकल से बेहतर है कि आप उसको फ्यूजन की तरफ ले जाएं जो कि थोड़ा उसमें क्लासिकल का टच हो वी डू प्रोजेक्ट्स जो कि क्लासिकल लाइंस पे होते हैं बट हम वो थोड़ी मॉडर्न की मिक्सिंग के साथ करते हैं दे आर मोर प्रैक्टिकल यूज स्थेटिकली अच्छे लगते हैं

अगर उसने दस इमेजेस उसमें से कुछ छः साल एक जैसे होंगे बाकी के चार बिल्कुल ही एक और लैंग्वेज होगी फिर आप उनको समझाना पड़ता है कि देखिए ये स्टाइल और ये स्टाइल फर्क है तो आप चूज करें फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आप एजुकेट करते हैं फिर उससे जरा आसानी हो जाती है पहले क्लाइंट वर्बली एक्सप्लेन करता था अब दे शो यू कि अच्छा ये मुझे चाहिए तो उससे आपको काफी फायदा हो जाता है ओके हाउ हाउ मच मच यू यू एंड टेक फॉर ऑफ द क्लाइंट यानी कितना आप फिफ्टी फिफ्टी करते हैं फिफ्टी परसेंट अपना अम्पोज किया फिफ्टी परसेंट क्लाइंट का लिया या आप सब कुछ क्लाइंट का लेते हैं और उसको फिर आर्टिकुलेट करते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या इसकी जो लाइकिंग है उसको हम इस तरीके से इसको ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं तो हाउ डू यू मैनेज दैट देखिए बेसिक आर्किटेक्ट की जो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपने लेनी ही लेनी है ना एट द एंड ऑफ द डेट्स इट्स योर क्लाइंट्स हाउस उसने रहना है या प्रोजेक्ट कमर्शियल उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी उसकी नीड्स हैं लेकिन वहाँ पे हमें ये यहाँ पे ये यह एक डिसीजन ख़ुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट का अपना डिसीजन आता है कि वो कहाँ पे एक लाइन ड्रा करें कहाँ पे वो समझे कि ये चीज़ जब क्लाइंट कह रहा है दिस इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द साइट सिचुएशन वो कह रहा है कि उसको जी लेट से वो कह रहा है कि उसको ट्वेंटी की डाइनिंग टेबल चाहिए रूम का साइज़ ही छोटा है तो इज़ नो पॉइंट उस पर डिस्कशन का तो फायदा ही नहीं है तो वो लाइन और कहीं पर वो कह रहा है कि आपको वो मॉडर्न इंटीरियर में कहीं बहुत ही कुछ क्लासिकली इस तरह का करते या कहीं पर बिल्कुल ही ऑपोजिट कलर स्कीम वो ऐड करते तो वहाँ तो फिर क्योंकि वहाँ पे आपको लाइन ड्रा करनी पड़ती है करनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो क्लाइंट ये भी कहता है कि अच्छा जब ख़राब अगर अगर खुदा ना खास्ता हो या उसका एंड रिजल्ट वैसा ना तो ये भी कह सकता है कि आप प्रोफेशनल थे आपको बताना चाहिए था आपको गाइड करना चाहिए था सो so, लाइन जरूर ड्रा करनी चाहिए यू शुड स्टॉप द क्लाइंट एक जगह हम वैसे अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर्स उस तरह से नहीं कहते थिंक आर नॉट इंटीरियर डिजाइनर्स वी आर मोर ऑफलटेंट वी आर वी आर टेक्निकल पीपल हु गाइड अपने एक्सपीरियंस से जो हमने चीज़ें सीखी हैं इन रियल वर्ल्ड हम लोगों को वो बताते हैं कि आप ये करें या ये ना करें तो हम ये नहीं है कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल है कि हम क्लाइंट की बात नहीं सुनते हम हम क्लाइंट की पूरी बात सुनते हैं और हमें मुझे लगता है कि क्लाइंट की बात सुननी भी चाहिए पूरी सुननी चाहिए जितनी आप सुन सकते हैं जितना आप समझ सकते हैं लेकिन आपने करनी अपनी है क्योंकि आपको डेफिनेटली उससे बेहतर पता है तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट की बात बिल्कुल ही ना सुने क्योंकि सिर्फ आपने अपनी मर्जी नहीं करनी है सारा सेट कि आप रहना उन्होंने ही एंड ऑफ द डे उनका खुश होना ज़रूरी है लेकिन ये नहीं कि वो जो मांग रहे हैं आप उनको दे दें उनको पता है उनको क्या चाहिए अगर आपको समझ आ गई है कि उनको ये चाहिए है आप उनको और बताएं कि भाई ये भी है और ये भी है आपको ये पता है कि ये भी है सो दे ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन वो भी चेंज करते हैं अपने आप को दे थिंक कि अच्छा यार ये तो मैं लेके आया था ये तो इससे भी बेहतर है सो so अगर आपको अपना काम आता है एंड यू गुड एट इट तो क्लाइंट भी मोल्ड हो जाता है तो de जिसमें आप खुद एज एन इंडिविजुअल पर्सन आप खुद भी इवॉल्व होते हैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं और क्लाइंट भी इवॉल्व होता है वो भी उसकी भी चॉइसेस चेंज होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ छः महीने लग गए चार महीने लग गए घर अगर वो स्क्रैच से आप देखें तो डेढ़ साल दो साल लग गए तो hmm. उस पूरे प्रोसेस में क्लाइंट के अपने व्यूज भी चेंज होते हैं ओके इन वुड लाइक टू आस्क यू के व्हाट इज One message you both going to to give the upcoming young women architects or designers challenges <laughs> So what are your suggestions for them? Uh, मैं तो यही कहूँगी कि uh, डरे ना और अगर करना चाहती हैं कुछ किसी भी किसी भी फील्ड में अगर इस फील्ड में भी तो इतना मुश्किल नहीं है आपको आपको अगर आप कुछ करना चाहते हैं हमने तो बल्कि एक initiative भी लिया था यहाँ पे कि हमने जितनी भी डिज़ाइनर्स थी कुछ रेफरेंसेस से हम कुछ लेडीज़ को ओल्ड आंटीज़ को जिनको शौक था कुछ करने का उनको हमने कहा भी था कि आप हमारे ऑफ़िस में आएँ उसको यूज़ कर सकते हैं आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं वी कैन हेल्प यू वी कैन गाइड यू कि प्रोसेस होता क्या है काम कैसे होता है सो आई थिंक अगर आप करना चाहते हैं आपकी विल है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है आप कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाए फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हार्ड वर्क इज़ द की टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है फोकस करना पड़ता है डे वन आपको यू कॉन्ट एक्चुअली हैव ऑल दैट यू विश्ड फॉर या ऑल दैट यू ड्रीम्ड ऑफ आपको मार्केट में निकलना पड़ता है आपको कम बजट के प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करने पड़ते हैं आपको हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना पड़ता है आपको छोटी स्पेसेस पे भी काम करके प्रैक्टिकल करेंगे तो लर्निंग होगी बड़ी स्पेसेस को डबल हाइट स्पेसेस को भी डील करना पड़ता है सो so, डरने की बात तो नहीं होती यू यू शुड चूज फील्ड अदर देन द जेंडर डिस्क्रिप्शन आप आप जब तक काम नहीं करेंगे उस काम को टाइम नहीं देंगे आई थिंक अब तो वक्त तो टाइम है कि आप लोग कहते हैं कि एट्टी परसेंट दें और हमें रिज़ल्ट मिल जाए इस वक्त तो आई पर्सनली थिंक आप हंड्रेड टू हंड्रेड परसेंट भी देंगे ना तब भी मुश्किल से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो जो यंग लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं या आना चाहते हैं वही वाली बात है कि मेहनत इस की और मेहनत आपको करनी पड़ेगी अब वो आपके ऊपर है कि आपको वो दस साल करनी पड़ती है साल करनी पड़ती है, किस तरह आप कर रहे, है, किस depends आप on the individual कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस के बगैर सारे खाली एक रूम में बैठ के और आर्किटेक्ट एक दो प्रोजेक्ट से आप को ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती हमें तो अभी तक हम रोज सीखते हैं अभी तक रोज डरते हैं अभी तक रोज सोचते yeah, हैं कि दिस इज या गलत है अ नेवर एंडिंग प्रोसेस लर्निंग एवरीडे कभी कभी आप अपने जूनियर से कभी कभी आप अपनी फैक्ट्री के एक छोटे कारपेंटर से कभी कभार अपने ड्राफ्ट पर्सन से कभी कभार आप साइड पे एक पुराना एक ओल्ड एज चाचा होता है जो कारपेंट्री कर रहा होता है एंड ही सो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना होता है ही मेक्स यू लर्न समथिंग सो लर्निंग इज अ ऑनगोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस और वो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती

uh fresh juices i don't like lemon water okay, lemon water okay okay saras thank you very much for being with us on this episode thank you thank you so much thank you

दो महीने से नहीं सोया हूं आपको क्या पता है हमारा थीसिस कैसे होता है बट नो ही ही did पेरेंट्स समझते हैं कि आपने ग्रेजुएट कर लिया तो है तो समझते हैं कौन साडा मुंडा कमाओगे हां दुनिया तो कल तो अनु कार बनांदा है इट्स नॉट लाइक दैट नथिंग एट ऑल नॉट एट ऑल